बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मिस सादिया कुरैशी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज विमेन, दुबई महल रोड, बहावलपुर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मिस्टर चिप्स, चैप्टर नंबर 15, रेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर चिप्स। इन दिस चैप्टर वी कैन सी the threats and disaster of First World War. One day when Mr. Chips was taking the lower fort in Lytton, they heard gunshots and bomb shelling. एक दिन मिस्टर चिप्स अपने स्टूडेंट्स के साथ लैटिन की क्लास पढ़ा रहे थे और उन्होंने बाहर से गन शॉट्स की आवाज़ सुनी और बॉम्ब्स गिरने की। मिस्टर चिप्स, इन स्पाइट ऑफ बींग डिस्टर्ब और नर्वस, कंटिन्यूड हिज लेक्चर एज He considered the ground floor the safest place to stay. वो क्लास जो थी वो ग्राउंड फ्लोर पर हो रही थी और मिस्टर चिप्स को लगा कि ये जगह जो है वो इनके लिए महफूज तरीन है, इसलिए वो परेशान हुए बगैर उन्होंने स्टूडेंट्स को उसी जगह पर रखना मुनासिब समझा, क्योंकि ये बेहद मजबूत और महफूज जगह थी इन केस के रेंडम फायरिंग होती, और अगर डायरेक्ट हिट होता तो फिर तो वो कहीं पर भी हो सकती थी। He continued his class in louder tone. Students were afraid. Very few of them were able to concentrate. चूँकि बाहर बॉम्ब शेलिंग हो रही थी तो सारे स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे और बहुत कम थे जो फोकस कर रहे थे। उस टाइम पर शायद वो रोमन हिस्ट्री पढ़ रहे थे और जूलियस सीज़र की फतुहात के बारे में बात कर रहे थे, तो मिस्टर चिप्स ने उनको कंसोल करने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए कहा कि इस टाइम शायद किसी भी चीज़ के बारे में बात करना इतना ज़रूरी नहीं है, इस वक्त तो सिर्फ वो लोग जान बचाना चाहते थे, यही ज़रूरी था, लेकिन बाहर का शोर जो है बाहर का जो शोर है, जो बॉम्ब शेलिंग हो रही है, सिर्फ शोर होने की वजह से वो उस चीज़ को अहम ना समझें। मिस्टर चिप्स इज़ एन एंटी वॉर पर्सन and he gave a very fair comment that war and these war weapons are the invitation of evil minded people. Stink merchants mean कि ये जो war है और war की वजह से बनाए गए जो हथियार हैं वो किसी stink कहते हैं जिसमें से smell आती हो, बदबूदार। merchants कहते हैं ताजर। तो ये जो हथियार हैं ये किसी अच्छे इंसान की पैदावार नहीं है बल्कि स्टिंक मर्चेंट्स हैं, मतलब जो बारूद बनाते हैं जिसमें से स्मेल आती है। इसी तरह से ये जो चीज़ें हैं, वॉर वेपन्स हैं, ये भी अच्छे नहीं हैं। हेयर मिस्टर चिप्स वेरी करेजसली एंड वेरी फियरलेसली एंगेज्ड हिज क्लास सेइंग दैट इफ़ इट इज़ देयर फेट टू बी डिस्टर्ब बाई डेथ then it is better they were busy in some worth work. मतलब वो कहते हैं कि अगर उनकी किस्मत में डिस्टर्ब होना लिखा है या फिर मरना लिखा है तो उनको कुछ अच्छा करते हुए मरना चाहिए। He asked some boy to read voluntarily. वो पूछते हैं क्लास में से कि कोई voluntarily रीडिंग करे। And Maynard started reading. They again heard some explosions. The whole building shook as if it were lifted off its foundation. इतनी ज़ोर से धमाके हो रहे हैं कि ऐसा लगता है कि पूरी बिल्डिंग जो है वो हिल रही थी और यूं लग रहा था जैसे कोई उसकी बुनियादों से पकड़ के उसको उठा रहा है। But the boy, जो वो लड़का था जिसने रीडिंग के लिए खड़ा हुआ था, Maynard, continue reading as fearlessly as Mr. Chips. The next day, और अगले दिन, they learned that there were five bombs fallen in around Brookfield. 9 people had been killed. Brookfield और उसके गिर्दोनवा 5 बम गिराए गए, क्योंकि जब जंग होती है तो सिविलियन एरिया को भी टारगेट किया जा सकता है। बहरहाल मिस्टर चिप्स की हिम्मत की कहानी बताई गई और रीटोल्ड की गई और एम्बेलिश्ड करके सुनाई गई। एम्बेलिशमेंट बड़ा सजा के बयान की गई। स्टूडेंट टॉक अबाउट हिज ब्रेवरी दैट द बॉम्ब कुड नॉट टर्न दैट डियर ओल्ड बॉय।
सारे स्टूडेंट्स ने उसकी हिम्मत की तारीफ़ की और उसका नाम क्या रखा, डियर ओल्ड बॉय। डियर ओल्ड बॉय मतलब ओल्ड कि उसकी वो एजड था, ओल्ड था। बॉय का मतलब क्या कि वो उसने उस टाइम बिल्कुल लड़कों वाली हिम्मत दिखाई। सो चिप्स हैड बिकम अ हीरो, तो उस टाइम पे मिस्टर चिप्स जो था वो एक हीरो बन चुका था, अ लेजेंड, एक लेजेंड बन चुका था। नाउ मिस्टर चिप्स वॉज गेटिंग ओल्ड, ही वोर ओल्ड टाटर्ड गाउन, पुराना गाउन पहनता था, एंड हिज वॉक वॉज टर्न इन टू स्टम्बल, और उसकी चाल में लड़खड़ाहट आनी शुरू हो गई थी। ही वॉज हैविंग वीक आई साइड एंड ही वेयर आयरन फ्रेम ग्लासेस, ही स्टिल यूज ह्यूमरस सेइंग, ब्रूकफील्ड वुड नॉट हैव टर्न एन एटम ऑफ हिम, मीन्स के लोगों ने उसको बदलते हुए ना देखा और ना ही वो उसको बदलता हुआ देखना चाहते थे। मीनवाइल नवंबर 1918, देयर कम द न्यूज़ ऑफ एंड ऑफ द वॉर। फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ आर्मिस्टिस डे देयर वॉज अ चीयरफुल सिंगिंग एंड लाफिंग इन द डाइनिंग हॉल। The kitchen staff was asked to provide good food. War time में जो खुराक उन्होंने store कर रखी थी मुश्किल दिनों से निपटने के लिए, अब जम के ख़त्म होने के ऐलान के बाद उन्होंने एक बड़ी दावत का एहतमाम किया। स्कूल में एक दिन की छुट्टी का भी ऐलान किया गया था। And when Mr. Chips came near the dais, everyone thought he would say something. It was a complete silence, a hush. बिल्कुल खामोशी हो गई पूरे हॉल में जब मिस्टर चिप्स जो थे वो हॉल के अंदर एंटर हुए। हर एक को लगा कि शायद वो उनके साथ खिताब करेंगे, उनसे बात करेंगे। Everybody was looking at him with shining eyes, as he was the symbol of victory. But he shook his head and smiled and walked away. लेकिन मिस्टर चिप्स ने कोई भी तकरीर ना की, उन्होंने अपना सर हिलाया, पूरे हॉल की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और खामोशी से वहाँ से चले गए। इट वॉज अ डम्प एंड फॉगी डे, ही अगेन फेल इल, ही वॉज इन बेड। ब्रोंकाइटिस, ही कॉट ब्रोंकाइटिस एंड स्टेड देयर टिल आफ्टर क्रिसमस। मिस्टर चिप्स दोबारा बीमार हो गए, उनको ब्रोंकाइटिस का अटैक हुआ और वो क्रिसमस तक, वो इतना लंबा बीमार हुए कि क्रिसमस तक वो बेड पर ही रहे। बट ऑन दैट वेरी डे 11th of November ही हैड सेंट इन हिज रेजिग्नेशन टू द बोर्ड ऑफ द गवर्नर। और उन्होंने, लेकिन जिस दिन वो स्कूल से वापस आ रहे थे उसी दिन उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर जो था वो भेज दिया था। साथ ही उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ना ही उनके लिए कोई फेयरवेल दी जाएगी और ना ही कोई तोहफे तहाई दिए जाएंगे। छुट्टियों के बाद जब स्कूल दोबारा खुला तो वो मिसेस विकेट्स के घर रिहाइश पजीर हो गए और उनके नाम के साथ जो एक्टिंग का वर्ड लगा हुआ था वो भी ख़त्म हो गया। ये लेसन, ये चैप्टर जो है ये ख़त्म होता है, द ड्यूरेशन वॉज ओवर, यानी उनका जो दौर था, उनका जो एक टीचिंग करियर था वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। उन्होंने जो दोबारा ब्रूकफील्ड ज्वाइन किया था उन्होंने उस अपनी एक्टिंग हेडशिप को जो था वो ख़त्म किया, रेजिग्नेशन दे दिया। एंड दिस इज़ योर चैप्टर। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों ने तीन बातें ऑब्ज़र्व की हैं। पहली बात तो ये कि मिस्टर चिप्स ने कितनी करेजसली अपने स्टूडेंट के लिए एक मिसाल कायम की। दूसरा कि मिस्टर चिप्स जो थे वो अपने स्टूडेंट्स के लिए एक लेजेंड बन चुके थे और एक अच्छी एग्जांपल सेट कर चुके थे। तीसरी बात जो हमने देखी है वो मिस्टर चिप्स की रिटायरमेंट है, कि मिस्टर चिप्स जो हैं अब वो मुकम्मल तौर पे ब्रूकफील्ड से रिटायर हो चुके हैं। कमिंग टू सम क्वेश्चन आंसर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हम देख लेते हैं। हाउ डिड मिस्टर चिप्स इनकरेज हिज स्टूडेंट ड्यूरिंग एयर रेड?
एयर रेड का मतलब होता है हवाई हमले। हवाई हमलों के दौरान मिस्टर चिप्स ने अपने स्टूडेंट्स को कैसे इनकरेज किया। मिस्टर चिप्स स्टार्टेड टॉकिंग इन लाउड टोन में बात करनी शुरू कर दी। इन स्पाइट ऑफ बीइंग फियरफुल ही रिमेन काम, आराम से खड़े रहे वो, एंड ही वॉज वेरी करेजियस एंड वेरी बोल्ड। वट वॉज हैपनिंग टू द बिल्डिंग ऑफ ब्रूक फील्ड ड्यूरिंग द शेलिंग। जब शेलिंग हो रही थी तो उस टाइम पर ब्रूक फील्ड की बिल्डिंग पे क्या असर हो रहा था, ये हमने अभी पढ़ा कि द बिल्डिंग शुक एज इट इज़ लिफ्टेड बाई इट्स फाउंडेशन। ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी बुनियादों से उसको पकड़ के उठा रहा है। हु वॉज मेनर्ड, मेनर्ड कौन था, ही वॉज द बॉय हु वॉलंटियरली रेड ऑन दैट डे, जिसने उस दिन खड़े होके सबक पढ़ा था। होम डिड मिस्टर चिप्स कॉल स्टिंक मर्चेंट्स, ये जो वेपन वॉर वेपन्स बनाते हैं इनको मिस्टर चिप्स ने स्टिंक मर्चेंट्स कहा था। वट डिड दे डिस्कवर आफ्टर शेलिंग अराउंड ब्रूक फील्ड, ब्रूक फील्ड के इर्द गिर्द जो शेलिंग हुई थी तो उनको अगले दिन क्या पता लगा उसके बारे में। दे केम टू नो दैट देयर वर फाइव बॉम्ब शेल हुए थे एंड 9 पीपल डाइड, और 9 लोग जो थे उनकी डेथ हो गई थी। वट हैपन ऑन 1918 को क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर वन वॉज एंडेड, ख़त्म हो चुकी थी, एंड देयर वॉज अ ह्यूज सेलिब्रेशन इन ब्रूक फील्ड, एक दिन की छुट्टी भी अनाउंस हुई थी, और देयर वॉज सिंगिंग एंड लाफिंग एंड चीयरफुल एटमोसफियर इन द ब्रूक फील्ड। When did Mr. Chips retired for second time? दोबारा Mr. Chips कब retire हुए, 11th November 1918 को Mr. Chips जो थे वो दोबारा retire हो गए। Where did he stayed after retirement? retirement के बाद उन्होंने कहाँ कहाँ क्याम पजीर हो गए थे, He stayed at Mrs. Pickett's house. Okay, the last question, why there was no farewell and presents for Mr. Chips? क्यों उनके लिए कोई farewell अरेंज नहीं की गई थी। Mr. Chips की अपनी ख्वाहिश पर, उनकी अपनी रिक्वेस्ट पर there was no farewell and no presents, although he had a good handshake with the dean of the faculty. So this was your chapter. Thank you so much.